स्टूडेंट्स, आई एम नलिनी सेन। आज हम रचना प्रसून क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 21 पत्र लेखन पढ़ेंगे। ठीक है, पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, यद्यपि आज संचार के बहुत से आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, संचार के मतलब कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत सारे हैं, किंतु पत्र आज भी संचार का महत्वपूर्ण साधन है। पत्र के द्वारा हम दूसरे दूर रहने वाले लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं, सरकारी कार्यालयों, प्रधानाचार्य, संपादक आदि को लिखे गए और अन्य व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, ये पत्र अपने परिचित व्यक्तियों तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा जी, मित्र आदि को लिखे गए पत्र। पत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, किसी अच्छे पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। फर्स्ट है पत्र भेजने वाले का पता और दिनांक। आजकल इसे पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। संबोधन पत्र, पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उसको हम संबोधित करते हैं, संबोधन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रिय बहन, प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, लाइक दिस। अभिवादन शब्द कौन से होते हैं, संबोधन शब्द लिखने के पश्चात अभिवादन या शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्ते, सादर नमस्ते या नमस्कार आदि। पत्र का विषय क्या है, अभिवादन शब्द लिखने के पश्चात पत्र का मुख्य विषय जो होता है, मेन विषय, वो लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद समाप्ति, पत्र की समाप्ति में भी पत्र लिखने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार तुम्हारा शुभचिंतक या तुम्हारा मित्र या आप प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी, भवदीय, आपका विश्वास पात्र जैसे शब्दों का भी हम प्रयोग करते हैं। और भेजने वाले का पता, पत्र के अंत में पत्र भेजने वाले का पता लिखा होता है और व्यावसायिक पत्रों में हस्ताक्षर किए जाते हैं और नीचे अपना नाम और पता लिखा जाता है। अब यहाँ पर ना आपको एक पत्र दिया गया है, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब देखिए हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हमने इस साइड लेफ्ट साइड में लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, सेंट जोसेफ अकेडमी, ठीक है, मरियम नगर, गाजियाबाद। फिर उसके बाद डेट डालेंगे, विषय अवकाश हेतु, क्या विषय है हमारा, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो उसके बाद हम लिखेंगे अवकाश हेतु, महोदय सभी ने निवेदन है कि आज मुझे आवश्यक कार्य से पिताजी के साथ हापुड़ जाना पड़ सकता है, अतः मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। फिर हमने उसका रीजन लिखा कि आप क्यों अवकाश लेना चाहते हैं। कृपया मुझे दो दिन, यहाँ पर आप दो दिन की डेट डाल देंगे, जैसे 16/8 और 17 का अवकाश प्रदान देने की कृपा करें, 16/8/2021 व 17/8/2021 का अवकाश देने की कृपा करें, दोनों डेट आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे धन्यवाद, फिर उसके नीचे लाइन में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम और कक्षा, ठीक है। उसके बाद है शुल्क माफी हेतु प्रार्थना पत्र, इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट जोसेफ अकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद, डेट डालेंगे और फिर विषय लिखेंगे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, है ना, फी कंसेशन के लिए। महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पिताजी की मासिक आय 2000 रुपए है, जिससे हमारा, ये हम औपचारिक पत्र के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा गुजारा कठिनाई से होता है, हम 3 बहन भाई पढ़ने वाले हैं, अतः मैं विद्यालय का शुल्क देने में असमर्थ हूँ, ठीक है, शुल्क देने में, उसकी फीस देने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी कक्षा का एक मेधावी मतलब इंटेलिजेंट छात्र हूँ, इसलिए कृपया मुझे शुल्क मुक्ति प्रदान की जाए, मतलब फी कंसेशन दिया जाए, आपकी अति कृपा होगी, फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य रवि कुमार, जो भी नाम लिखेंगे आप अपना, उसके बाद कक्षा, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सेक्शन, ठीक है। फिर है बड़े भाई के विवाह पर अवकाश हेतु पत्र, आपको बड़े भाई की शादी में जाना है तो उसके लिए आपको लीव एप्लीकेशन अवकाश पत्र लिखना है, फिर वही लिखेंगे आप पूरा फॉर्मेट इसी तरह से, सेवा में प्रधानाचार्य, सेंट जोसेफ अकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद, दिनांक डालेंगे और विषय लिखेंगे भाई के विवाह के लिए अवकाश पत्र, ठीक है। महोदय निवेदन है कि मेरे
अपडेट डालेंगे उसमें, को होना निश्चित हुआ है। बारात यहाँ से रवाना होकर सूरत जाएगी और मेरा बारात में शामिल होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मुझे जो भी डेट आपको डालनी है 3 या 4 दिन की, इस डेट से लेकर इस डेट तक 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जब भी हम प्रधानाचार्य को लिखते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और बस लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। यहाँ पर फिर नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और सेक्शन लिखेंगे लास्ट में। अब देखते हैं अनौपचारिक पत्र उपहार भेजने के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र, ठीक है। उपहार भेजने के लिए चाचा जी को धन्यवाद पत्र कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए जो भी एड्रेस आपको डालना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 407 अरुणा विहार सेक्टर 29 चंडीगढ़, और यहाँ पर उसका पिन कोड डाल दिया है। डेट पूज्य चाचा जी, अब चाचा जी को हम आदर देकर इस तरह के शब्दों का हम यूज करेंगे। पूज्य चाचा जी सादर प्रणाम, आपका भेजा हुआ जन्मदिन का उपहार मुझे मिल गया। आपने जो घड़ी भेजी है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सभी इस उपहार को देखकर बहुत खुश हैं। मेरे प्रिय मित्रों ने भी घड़ी की खूब प्रशंसा की है और समय मिलने पर आप भी जरूर आइएगा, ठीक है। आदरणीय चाची जी को प्रणाम। आपका भतीजा नाम डाल देंगे अपना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है अपने जन्मदिन पर मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र। आपका बर्थडे है और आपको बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो इसी तरह यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, डेट डालेंगे, ठीक है। फिर प्रिय मित्र सलील, नमस्ते मित्र, जैसा कि तुम जानते हो कि मेरा जन्मदिन 11 नवंबर को आता है, इस बार भी पूरे उत्साह से मैं अपना जन्मदिन घर पर ही मनाऊंगा। तुम इस अवसर पर शाम 4 बजे तक जरूर आ जाना। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है और हम सब मिलकर खूब खेलेंगे। तुम अपने माता पिता को भी अवश्य साथ लेकर आना। धन्यवाद, तुम्हारा मित्र। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखेंगे अपना, ठीक है। तो इस तरह से एक फॉर्मेट होता है जो हमें पत्र लिखने के लिए फॉलो करना होता है। उसके बाद देखेंगे मौखिक क्वेश्चन, आधुनिक समय में एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के कौन कौन से साधन प्रचलित हैं। आधुनिक समय में मौखिक प्रश्न, आधुनिक समय में एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के मुख्य साधन ईमेल फोन व्हाट्सएप, ठीक है, और फोन लिख लीजिए खाली, ईमेल फोन आदि, ठीक है। बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे ऐसे हैं सोशल मीडिया पे आप अपनी यूज करके आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और पत्र कितने प्रकार के होते हैं नाम बताइए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, औपचारिक पत्र के अंतर्गत पत्र किसको किसको लिखे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत
आने वाले पत्र किस किस को लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र सरकारी कार्यालयों प्रधानाचार्य और संपादक आदि को लिखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर आवश्यक कार्य हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। घर पर आवश्यक कार्य हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, ठीक है? तो सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे, घर पर अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, ठीक है? अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, यहां पर इस साइड में सेवा में, लेफ्ट साइड में प्रधानाचार्य महोदय, यहां पर इसके बाद नेक्स्ट लाइन में अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, सेंट जोसेफ अकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद। उसके बाद दिनांक, डेट डाल दीजिए आज की, जिस भी डेट में आप लिखेंगे वही आपको डेट लिखनी है। उसके बाद लिखेंगे विषय क्या है? आवश्यक कार्य हेतु, आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है? उसके बाद यहां पर हम देखेंगे, इसके बाद हम यहां पर वो निर्णय लिखेंगे कि आपको क्यों अवकाश लेना है, ठीक है? तो उसके नेक्स्ट लाइन में हम यहां पर लिखेंगे महोदय कॉमा सभी ने निवेदन है कि मुझे घर पर सभी ने निवेदन है कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य है कि मुझे घर पर आवश्यक कार्य आवश्यक कार्य है अतः मैं दो दिन विद्यालय में, ठीक है? फिर आपको डेट लिखनी है, घर पर आवश्यक कार्य है अतः मैं दो दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा।
ठीक है, इसलिए इसलिए कृपया मुझे दो दिन, इसलिए कृपया मुझे दो दिन डेट डालेंगे आप, कौन कौन सी डेट को आपको अवकाश चाहिए, व 16/8/2021 व 17/8/2021 का अवकाश प्रदान, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, करने की कृपा करें। ठीक है, ये लाइन हम ऊपर लिख लेते हैं, अभी यहां पर स्पेस नहीं है, इसको हम रब कर देते हैं। इसलिए कृपा करके आप मुझे, इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके जस्ट इसी के नीचे, ठीक है, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और गर्ल्स लिखेंगे यहाँ पर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, उसके बाद फिर अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, नाम और कक्षा, क्लास और सेक्शन, इसको इसके आगे आपको यहाँ पर लिखना है, और आप ये सब आपको कहाँ लिखना है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में। ठीक है, जब आपने इसको खत्म किया, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, उसके बाद धन्यवाद, फिर इस साइड में आएगी धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और सेक्शन, ठीक है, कक्षा और सेक्शन। तो इस तरह से ये फॉर्मेट है आपका खुद भी पत्र लिखने का। ठीक है, और बाकी के जितने भी पत्र आपको इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो आपको पीडीएफ में सेंड कर दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरह से फॉर्मेट हम बनाते हैं, किस तरह से हम पत्र को लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हम किस तरह से लिखते हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छे से चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और समझिए, और जितना भी आपको वर्क दिया गया वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।